हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश वीडियो ऑफ दिस चैनल। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जब भी मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा मोटो यही है दोस्तों कि मैं एक बहुत ही बड़ा फुटबॉल बेस बनाना चाहता हूँ, फुटबॉल फैन बेस बनाना चाहता हूँ, जिससे इंडियन फुटबॉल को काफ़ी सपोर्ट मिले और वो वर्ल्ड में डोमिनेट करे और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त करे और इंडियन फुटबॉल का डंका बजे पूरे विश्व में। तो दोस्तों, सीधे आते हैं टॉपिक पे बिना ज़्यादा समय गवाए। तो जो आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने डाला है कि बहुत ही बड़ी खबर आई है इंडिया के लिए 2022 फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड फीफा के तरफ से। दोस्तों, हुआ यूं कि जैसे कि पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा होगा तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसमें मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन राउंड खेले जाएंगे और कौन कौन सी टीमें होंगी जो क्वालिफाई कर पाएंगी यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए और इंडिया कैसे क्वालिफाई कर पाएगी। तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाला है, पहले उस वीडियो को आप जाके देखिए, या हो सकता है कि वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा जरूर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे क्वालिफिकेशन राउंड खेले जाएंगे। तो चलिए आते हैं फिर से अपने वीडियो पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बात करेगा कि क्या बड़ी खबर आई है यहाँ पे फीफा के तरफ से। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो मूलतः रूप से 32 टीमें उसमें भाग लेती हैं और इस बार 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतार में होने वाला है। दोस्तों, हुआ यूँ कि पहले फीफा जो थी वो पहले तो बोली कि 32 टीमें यहाँ पे खेलेंगी, उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे 48 टीमें पूरे वर्ल्ड से क्वालिफाई करेंगी। तो ये 32 और 48 से क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों इंडिया को? 32 से यही फ़र्क पड़ेगा कि दोस्तों 4.5 टीम्स ऐसे क्वालिफाई करती हैं अगर 32 टीमें वर्ल्ड कप के लिए जाती हैं पूरी दुनिया से, तो एशियन कॉन्फेडरेशन से 4.5 टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई करती हैं और अगर वही 48 टीम्स जाएंगी तो यहाँ पे 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी AFC कॉन्फेडरेशन से, यानी कि एशियन कॉन्फेडरेशन से। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा इंडिया का यहाँ पे क्वालिफाई करने का। लेकिन दोस्तों, हुआ यूँ कल की यहाँ पे फीफा की तरफ से एक न्यूज़ आई निकल कर कि उसके जो कांग्रेस मीट होती है वहाँ पे एक डिसीज़न लिया गया, जो कि अभी पूरी तरह से यहाँ पे उसको साइन अप नहीं किया गया है, लेकिन तब भी एक यहाँ पे रैंडम डिसीज़न या मैं कहूँगा रॉ डिसीज़न आया है कि 32 टीमें ही इस बार पार्टिसिपेट करेंगी कतार फीफा वर्ल्ड कप में। और जो 2026 होगा दोस्तों, वो पहले से डिसाइडेड है कि वहाँ पे 48 टीमें, ये बिल्कुल गारंटीड है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। तो 32 टीमें पार्टिसिपेट क्यों करेंगी दोस्तों? यहाँ पे 48 टीमें कर सकती थी और यहाँ पे कतार जो होस्ट है उसने भी कहा था कि हम 48 टीमों का स्वागत करना चाहेंगे, बट हुआ यूँ कि पहले से ही बहुत पहले से यहाँ पे कतार को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का यहाँ पे होस्टिंग का यहाँ पे उनको न्यूज़ मिल गया, तो वो तैयारियों में लगे हुए थे दोस्तों। तो वो 32 टीमों के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि पहले फीफा ने कहा था कि 32 टीमें खेलेंगी। उसके बाद थोड़े दिन पहले, जस्ट यहाँ पे 5 से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले, यहाँ पे फीफा ने अनाउंस किया था कि 48 टीमें जाएंगी। तो वो तो पहले तैयारी करी थी 32 टीमों की, उसके हिसाब से स्टेडियम बनाए, उसके हिसाब से यहाँ पे कैपेसिटी रखी, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि इमिग्रेशन जो होता है बाहर से, जो यहाँ पे दर्शक आते हैं देखने के लिए कि कितने यहाँ पे कैपेसिटी में दर्शक आएंगे, उसके हिसाब से कंट्री को तैयार करना पड़ता है, उसके हिसाब से यहाँ पे गुड्स रेडी रखने पड़ते हैं किसी भी इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है किसी भी कंट्री को। और वो जो खर्चा होता है दोस्तों वो बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, जैसे कि 48 टीमें अगर खेलेंगी तो वो 300 से 400 मिलियन डॉलर्स मिलियन यूरोज़ यहाँ पे बढ़ जाएंगी, डॉलर सॉरी दोस्तों मैंने बोला, यहाँ पे 300 से 400 मिलियन यूरोज़ यहाँ पे बढ़ जाएगी जो खर्चा यहाँ पे होगा और उसमें जुट जाएगा 300-400 मिलियन यूरोज़ दोस्तों। तो यहाँ पे कतार जैसी कंट्री को तो पैसों से ज़्यादा कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत जो मूलतः रूप से जो अरेबियन कंट्रीज हैं वो काफ़ी अमीर होती हैं दोस्तों, तो उनको पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ यूँ कि पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशन आ गई कि फीफा ने बोला कि आप अकेले यहाँ पे 32 टीमों को होस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले आप तैयारी कर रहे थे, सॉरी दोस्तों आप अकेले 48 टीमों को होस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे थे 32 टीमों की, तो आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे पड़ोसी देशों का सहायता लेना पड़ेगा, जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रियों का यहाँ पे आपको सहारा लेना पड़ेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने, मतलब कि को होस्ट आप कर सकते हैं, अकेले आप होस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक, अगर आप थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में जानते होंगे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और UAE मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में, मगर जहाँ पे बात आती है कतार की, तो कतार जो है दोस्तों वो ईरान से काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है और ईरान और सऊदी अरेबिया का दोस्तों यहाँ पे नहीं बनता है, और इसके कारण कतार और सऊदी अरेबिया और UAE का नहीं बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेंशन आ गई और कुछ पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशंस ऐसे आ गए कि
और कोई कोई बयान ऐसे आए यूएई और सऊदी अरेबिया की तरफ से कि यहाँ पे कतार भी कन्फ्यूज़न में चला गया, और कतार भी नहीं चाहता था कि वो होस्ट करें यहाँ पे दोनों कंट्री के साथ, उसको ईरान के साथ बस होस्ट करना था, लेकिन ईरान यहाँ पे रेडी नहीं हुआ इसको फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने के, क्योंकि यहाँ पे उसके जो इंटरनल कंडीशंस हैं दोस्तों ईरान के अभी थोड़े से नाजुक चल रहे हैं, अमेरिका से उसका अभी थोड़ा यहाँ पे टेंशन चल रहा है और साथ में पाकिस्तान से भी थोड़ा टेंशन चल रहा है ईरान का दोस्तों। तो यहाँ पे दिक्कत की बात यहाँ पे आ गई और उसके बाद फिर फीफा कमेटी को ये बताया गया। दोस्तों ये जो 48 टीमों को यहाँ पे भाग लेवाने का यहाँ पे ये ऑप्शन डाला गया था, यानी दोस्तों गियानी की तरफ से, गियानी जो कि अभी फीफा के सीईओ हैं, जो हेड हैं अभी फीफा के, उनके तरफ से डाला गया था। वो एक रैंडम डिसीजन उन्होंने यहाँ पे अपने तरफ से दिया था कि मैं चाहता हूँ कि इस बार 48 टीमें यहाँ पे भाग ले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। तो उन्होंने यहाँ पे कल दोस्तों एक अनाउंसमेंट में, एक रैंडम अनाउंसमेंट में कहा कि हो सकता है कि इस बार 32 टीमें ही पार्टिसिपेट करें और 48 टीमों का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अभी टेम्प्रोरी रूप से यहाँ पे रोक दिया है, और शायद इस बार 2022 में 48 टीमें पार्टिसिपेट ना करें 2026 में। लेकिन जो अमेरिका, लाओस और यहाँ पे दोस्तों कनाडा मिलके जो यहाँ पे को होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 को, तो वहाँ पे 48 टीमें यहाँ पे पक्का है कि खेलेंगे। तो दोस्तों न्यूज़ में यही था, और इसका फ़र्क यही पड़ेगा दोस्तों कि अगर 4.5 टीम्स क्वालिफाई करेंगी तो थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, और अगर 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और आप सभी लोग अपने ओपिनियन भी यहाँ पे नीचे बता सकते हैं मुझे। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।